धार जिले के निसरपुर ब्लॉक में ग्राम निम्बोल में सीनियर आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक ने छात्रों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छात्रों से मारपीट का वीडियो अब जिम्मेदारों तक पहुंचा तो बीओ और जनशिक्षक की टीम छात्रावास पहुंची और छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रों से मारपीट के संबंध में बात की। जांच टीम पहुंचने की खबर लगते ही आरोपी छात्रावास अधीक्षक जालम सिंह चौहान फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अधीक्षक शराबी है और आए दिन छात्रों से मारपीट करता है। टीवी देखने के गुनाह पर छात्रों को पीटा गया। जांच के बाद छात्रावास अधीक्षक निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित किए। साढ़े 7 बजे टाइम है, 7 बजे टीवी देखने का, तो सर पे आते हैं बच्चों को मारा जो बाबा के रूम में टीवी देख रहे थे उनको। किस चीज़ से मारा? वाइपर से। कितने बच्चों को मारा? 6-7 को मारा। मंडल सर जब भी मेरे साथ में थे, हम दोनों ने वहाँ निरीक्षण किया, सत्यता पाई गई और उसका मैंने जांच करके प्रतिवेदन जो है वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया। अमित वर्मा जुड़ गए हैं। अमित, क्या अधीक्षक का पता चल पाया और फिलहाल पुलिस किस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है? चलिए, अमित को आवाज नहीं आ रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। छात्रावास में छात्रों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अधीक्षक छात्रों को बेरहमी से पीट रहा है। जब शिकायत हुई उसके बाद छात्रावास अधीक्षक को पता चला कि गाज गिर सकती है, तो फरार हो गए। टीवी देखने पर ही छात्रों को पीटा गया। सीनियर आदिवासी छात्रावास की ये घटना है। अमित वर्मा जुड़ गए हमारे साथ। अमित, क्या अपडेट है इस मामले में? अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी। क्या स्थिति है अभी और क्या अपडेट है? जी बता दूं आपको, ये जो पूरा मामला है धार जिले के निसलपुर ब्लॉक का है, जहां पर ग्राम निम्बोल में सीनियर आदिवासी छात्रावास है, जहां के अधीक्षक जो छात्रों से मारपीट कर रहे हैं उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जब यह वीडियो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जो है छात्रावास पहुंचे और छात्रावास में जांच की और छात्र हैं उनसे बातचीत की। इस दौरान छात्रों से बातचीत में ये चीज स्पष्ट रूप से सामने आई कि अधीक्षक हैं जो वो शराब पूरी करते हैं और इसके अलावा लगभग वो हर तीसरे दिन छात्रों के साथ मारपीट की इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे ही छात्रावास के अधीक्षक जो हैं जालम सिंह चौहान, उनको ये खबर लगी कि जांच दल आ रहा है तो वो छात्रावास से फरार हो गए। फिलहाल जांच के बाद छात्रावास अधीक्षक के निलंबन की जो कार्रवाई है वो प्रस्तावित की गई है बीईओ द्वारा। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।